चूरू जिले के राजगढ़ थानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई के संदिग्ध परिस्थितियों में जो आत्महत्या का मामला सामने आया है, निश्चित रूप से ये सिस्टम की पोल खोलता है। ये अपने आप में सवाल या निशान खड़ा करता है कि जिससे हम न्याय की गुहार करें, एक ईमानदार व्यक्तित्व का धनी जिसे मैं पिछले 15 साल से व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, वो आदमी किसी न किसी विषम परिस्थितियों के अंदर ऐसा कदम उठा सकता है। और चूंकि प्रदेश का गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है और आम आदमी गृह मंत्री से नहीं मिल सकता, मैं इस मामले में मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व की मांग करता हूं और इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग करता हूं, क्योंकि जिनकी वजह से ही जिन कारणों की वजह से विष्णुदत्त बिश्नोई ने मौत का दामन थामा है, निश्चित रूप से अधिकारियों की नेताओं की मिलीभगत है। किसी न किसी बड़े प्रेशर के अंदर वो पिछले 3-4 दिन से थे और इसकी सूचना भी उन्होंने सोशल साइट पे अपने मित्रों को दी थी। ये बहुत गंभीर मामला है और प्रदेश के अंदर लगातार 1.5 साल में ऐसी घटनाएं बढ़ रही है। इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी होगा। राजस्थान सरकार की कोई भी एजेंसी इस मामले में सही जांच नहीं कर सकती, इसलिए मैं मांग करता हूं कि पूरे प्रकरण की सामाजिक भावनाओं को देखते हुए, राजगढ़ की, राजस्थान की जनता की, नौजवानों की भावनाओं को देखते हुए सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसकी मैं मांग करता हूं और आवश्यकता पड़ी तो मैं खुद मौके पर जाऊंगा।